हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बात करी थी अबाउट द मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। आज के लेक्चर में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। And also do hit the bell icon so that you will be notified every time I post a new video. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर, स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। फॉर टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ए बी इज डिफाइंड ओनली इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स ए आर इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। सिंपली क्या बताया जा रहा है, हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। एंड व्हाट इज दैट कंडीशन? इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए, जो पहली मैट्रिक्स होगी, जो जितने उसमें कॉलम्स होने चाहिए उतने ही दूसरी मैट्रिक्स बी में रोज होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वलेंट टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी then we can easily apply matrix multiplication, okay? अगर ये condition fail हो गई, अगर ये condition आपस में met नहीं हो जाती है, तो at that time हम matrix multiplication apply ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? ये point आपको याद रखना है, and you already know कि हम कैसे देखते हैं कि columns कितने होंगे, rows कितने होंगे, ठीक है? जिसको हम बोलते हैं order of a matrix, ठीक है? तो यहाँ पे भी हमें same conditions apply कर लेनी है और चेक करना है क्या नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए बराबर आ रहे हैं टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी और नॉट। ओके, अभी भी अगर कुछ भी डाउट आ रहा है, हम कुछ एग्जांपल्स इसके रिलेटेड करेंगे, आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। स्टार्टिंग विथ एग्जांपल नंबर वन, व्हाट वी आर सेड, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस, ए और बी जो है दो मैट्रिसेस आ रही है, ए मैट्रिक्स बी गिवन है और बी मैट्रिक्स भी गिवन है। Now find AB. अब हमें क्या करना है, AB को find करना है, means हमें A और B को आपस में matrix multiplication operation apply कर देना है। matrix multiplication operation हम तभी apply कर सकते हैं जब उसमें एक condition satisfy हो जाएगी। What is that condition? Number of columns in first matrix, ठीक है, should be equivalent to the number of rows in the second matrix, ठीक है? तो अगर आप यहां पे देखोगे नंबर ऑफ कॉलम्स, अगर आप यहां पे सिंपली फाइंड करोगे तो कितने आ रहे हैं नंबर ऑफ कॉलम्स, वन, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकंड कॉलम और ये हो गया थर्ड कॉलम। इन दिस एग्जांपल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, इन ए इज इक्वल टू थ्री। नंबर ऑफ रोज इन बी कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ रोज इन बी आ रहे हैं टू, ठीक है? क्या थ्री और टू आपस में बराबर है? ये बराबर नहीं है। सो नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। जब ये कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो जाती है तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आंसर निकल के आ जाएगा दैट विल बी व्हाट, अनडिफाइंड, ठीक है? कैन नॉट डिटरमाइन भी आप इसको बोल सकते हो, हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर सकते हैं। वाई? बिकॉज जो कंडीशन होती है फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वो ही फेल हो रही है, सो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा तरीका यहाँ पे समझा देता हूं, दूसरे तरीके से आप भी इसको याद रख सकते हो। व्हाट इज दैट? हमें पता है अगर हम इसका ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं टू और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं थ्री, ठीक है? ये तो हो गया इसका ऑर्डर। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं टू और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं थ्री, ठीक है? तो दोनों का ऑर्डर हमने निकाल लिया। ओके, तो यहाँ पे याद रखने की जरूरत है, जो जहां पे ये यहाँ पे एंड हो रहा है मींस थ्री और यहां से जहां से ऑर्डर स्टार्ट हो रहा है मींस टू, ये दोनों जो है ना, अगर ये आपस में बराबर होंगे, अगर ये आपस में बराबर होंगे देन ओनली वी विल बी एबल टू अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। अगर ये आपस में बराबर नहीं होंगे तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई ही नहीं कर सकते हैं, क्लियर है? सिंस यहाँ पे ये दोनों आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है? होपफुली यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ और एग्जांपल्स करेंगे और यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन असल में हमें कैसे करना होता है, ठीक है? सो एक और एग्जाम्पल यहाँ पे
दी गई है, क्या लिखा गया है, इफ ए एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, और बी हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स है उसमें ये वाले एलिमेंट्स आ रहे हैं, फाइंड हमें क्या करना है, ए बी। ओके ओके, तो सिंपली हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्या हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसका ऑर्डर निकालूंगा तो नंबर ऑफ रोज भी टू एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ रोज भी टू और नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू, ठीक है। हमने अभी अभी क्या देखा, ये दोनों एलिमेंट्स अगर आपस में बराबर होंगे, ऑर्डर अगर इनका ये वाला एलिमेंट ऑर्डर का सेम होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सिंस यहाँ पे भी टू आ रहा है, यहाँ पे भी टू आ रहा है, तो हम आराम से यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं, अब हम देख लेते हैं कि ए बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया ए, और हमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। ए बी गिवन है और बी भी गिवन है, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, सिंपली व्हाट वी हैव टू फॉलो इज दैट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रॉपरली सारे सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस में यहाँ पे सारे स्टेप्स लिख दूंगा, ठीक है। याद रखना आप कैसे करेंगे हम, हमें यहाँ पे पहले रो को उठाना है, हमें यहाँ पे पहले रो को उठाना है, इसको यहाँ पे हर एक कॉलम के साथ क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देना है, और इस वाले कॉलम के साथ भी क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, पहले रो को उठाओ, इसको हर एक कॉलम के साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो रो में यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, वन, यहाँ पे पहले कॉलम में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, नाइन, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा वन इंटू नाइन। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना कि हम कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट नेक्स्ट, फिर हम लिखते हैं बीच में प्लस, ये फॉर्मूला का प्लस होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले रो को इसी कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, फाइव, और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस वन, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फाइव इंटू माइनस वन करेंगे, फाइव इंटू माइनस वन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये हमने पहले रो को हमने पहले कॉलम के साथ क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट आ गया, ठीक है। अब हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है एंड हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसी रो को अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कैसे करेंगे, इस रो का पहला एलिमेंट हम उठाएंगे, इस कॉलम के पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा वन इंटू टू, वन इंटू टू आ गया, ठीक है, वन इंटू टू आ गया। बीच में क्या आता है, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, और उसके बाद हमें क्या करना है, इसी रो का दूसरा एलिमेंट उठाएंगे, इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ रहा है, फाइव इंटू फोर आ रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, फाइव इंटू फोर लिख दूंगा, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, पहले रो के पहले रो को हमने मल्टीप्लाई कर दिया हर एक कॉलम के साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे रो पे जाएंगे, अब हम दूसरे रो पे जाएंगे, अब हम दूसरे रो में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे, दूसरे रो को भी हम पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे कॉलम के साथ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एक एक करके। पहले हम पहले रो को पहले कॉलम के साथ क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एलिमेंट वाइज करना है, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन के साथ, फोर को मल्टीप्लाई करेंगे नाइन के साथ, तो क्या आ जाएगा, फोर इंटू नाइन यहाँ पे आ जाएगा, फोर इंटू नाइन आ गया। और बीच में क्या आता है, बीच में मैंने आपको अभी बताया कि फॉर्मूला का प्लस आता है, फॉर्मूला का प्लस आता है, फिर क्या करेंगे, दूसरा एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, थ्री, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, थ्री को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वन के साथ, ये हो गया एक और एलिमेंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी रो को उठाएंगे, इसको क्या करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस वाले दूसरे कॉलम के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो पहला एलिमेंट यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर, और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, टू, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, फोर इंटू टू लिख देंगे, ठीक है, फोर इंटू टू हमने यहाँ पे लिख दिया, और बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे थ्री इंटू फोर आ जाएगा। इस तरीके से हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर दिया, फाइंड कर दिया, ठीक है। ओके, अब अगर हम ए बी का वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब हमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर जो है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइन वन जार कितना हो गया, नाइन वन जार हो गया नाइन,
ओके और यहाँ पे बीच में प्लस आ रहा है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में माइनस आ रहा है, माइनस फाइव आंसर हो गया, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस फाइव, ठीक है माइनस फाइव, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर आ रहा है प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, प्लस इंटू माइनस जब हम करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है माइनस आ जाता है, माइनस करके क्या आ जाएगा यहाँ पे फाइव, ठीक है ओके। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आ रहा है टू वन जार हो गया टू, टू वन जार हो गया टू, और बीच में आ रहा है प्लस, और यहाँ पे क्या आ रहा है फाइव फोर जार हो गया ट्वेंटी, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस ट्वेंटी लिख देंगे, ठीक है। और इसी प्रोसीजर को कंटिन्यू करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे फोर नाइन जार हो गया थर्टी सिक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा थर्टी सिक्स, ठीक है थर्टी सिक्स, और यहाँ पे जब हम थ्री वन जार करेंगे थ्री वन जार हो गया थ्री, साथ में माइनस आ रहा है तो माइनस थ्री बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस क्या बन जाएगा यहाँ पे अगेन माइनस ही बन जाएगा, यहाँ पे माइनस थ्री आ जाएगा, ठीक है ओके। उसके बाद क्या करेंगे फोर टू जार हो गया एट, ओके प्लस क्या आ रहा है थ्री फोर जार, थ्री फोर जार कितना हो गया ट्वेल्व, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेल्व आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा फाइव, नाइन में से फाइव को माइनस करेंगे तो आ जाएगा फोर, टू प्लस ट्वेंटी हो गया ट्वेंटी टू, ठीक है थर्टी सिक्स माइनस थ्री हो गया थर्टी थ्री, ओके एट प्लस ट्वेल्व कितना हो गया एट प्लस ट्वेल्व हो गया ट्वेंटी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इंटू बी, ये हमें क्या निकला ए इंटू बी निकला, ठीक है हमने यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन जो है उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर दिया, ठीक है। अब एक और पॉइंट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर लेता हूं, एंड व्हाट इज दैट पॉइंट, मैंने आपको अभी अभी बताया सिंपली अगर आप याद रखोगे चीजों को, आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे याद रखना है, अगर आप इसका ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या आ रहा था, इसका ऑर्डर आ रहा था टू क्रॉस टू, बिकॉज इसमें नंबर ऑफ रोज भी टू आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी टू आ रहे हैं, और यहाँ पे भी नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं टू, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं अगेन टू, ठीक है ओके। अब मैंने आपको क्या बताया, अगर ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, सिंस यहाँ पे आपस में बराबर आ रहे थे तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, अब जब आप इनको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, ठीक है, जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ जाएगी ना उसका ऑर्डर क्या होगा, जो यहाँ पे बचे हुए एलिमेंट्स है, बचे हुए एलिमेंट्स यानी कि बचा हुआ ऑर्डर यहाँ पे क्या आ रहा है टू, और यहाँ पे भी टू, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है उसका भी ऑर्डर क्या आ रहा है टू क्रॉस टू आ रहा है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे ऑर्डर सेम आ रहा है हर जगह पे, दैट इज वाई यहाँ पे भी हमें टू क्रॉस टू देखने को मिल रहा है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ, उससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है, होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं। एग्जांपल नंबर थर्ड के बारे में बात करेंगे, क्या लिखा गया है, इफ एक्स एंड वाई आर टू मैट्रिसेस, अगेन दो मैट्रिसेस गिवन है एक्स एंड वाई, फाइंड हमें क्या करना है एक्स वाई, ठीक है एक्स मैट्रिक्स भी गिवन है और वाई मैट्रिक्स भी गिवन है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई को फाइंड करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चेक करना होगा, क्या हम यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इस पे अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कंडीशन क्या है, हम इसका ऑर्डर चेक करेंगे, इसमें नंबर ऑफ रोज कितने आ रहे हैं, इन दिस एग्जांपल नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं थ्री, ये हो गया वन, ये हो गया टू एंड ये हो गया थ्री, और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं टू, ठीक है तो थ्री क्रॉस टू इसका ऑर्डर बन रहा है। सेम तरीके से अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर ऑफ रोज आ रहे हैं टू और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स आ रहे हैं थ्री, ठीक है। अब मैंने आपको अभी अभी क्या बताया, हमें क्या करना है, ये दोनों अगर आपस में बराबर होंगे तो वी कैन अप्लाई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, ठीक है तो ये दोनों आपस में बराबर आ रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा थ्री क्रॉस थ्री, थ्री क्रॉस थ्री, बात समझ में आ रही है, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा थ्री क्रॉस थ्री होगा, ठीक है। अब हम इसको परफॉर्म कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, तो मैंने यहाँ पे x लिया और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया y ले लिया, नाउ यू ऑलरेडी नो कि हम कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है मैं थोड़ा नीचे जाता हूँ, ओके फाइन, सो सी नाउ हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले रो को उठाएंगे, हम यहाँ पे पहले रो को उठाएंगे, ठीक है पहला रो ये आ रहा है, इसको क्या करेंगे हम हर एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस कॉलम के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा
जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरा एलिमेंट आ जाएगा, जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरा एलिमेंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो कर लेते हैं, सबसे पहले माइनस टू को करेंगे मल्टीप्लाई पहले इस कॉलम के साथ। ठीक है, माइनस टू यहाँ पे पहला एलिमेंट आ रहा है और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फोर। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे, माइनस टू इंटू फोर। बीच में मैंने आपको बोला फॉर्मूला का प्लस आता है। फिर हम क्या करेंगे, इस रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, वन, इसको इस कॉलम के दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, वन इंटू माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वन इंटू माइनस थ्री लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी रो को मल्टीप्लाई करेंगे किस कॉलम के साथ, इस वाले कॉलम के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस टू, और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फाइव। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस टू इंटू फाइव। बीच में क्या आता है, फॉर्मूला का प्लस। ठीक है, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, इसका दूसरा एलिमेंट और इसका दूसरा एलिमेंट, इन दोनों को भी आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, वन इंटू वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर पे हम इसी रो को इस कॉलम के साथ भी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो माइनस टू और यहाँ पे पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, सिक्स। तो आ जाएगा माइनस टू इंटू सिक्स। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, वन, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो वन इंटू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वन इंटू जीरो लिख दिया। ठीक है, यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी होगी। अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे रो को उठाएंगे, दूसरे रो को उठाएंगे, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, सेम इसी प्रोसीजर पे हम इसको पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पहला दूसरा रो जो है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर, इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फोर, फोर इंटू फोर करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फोर इंटू फोर। बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर इसका क्या आता है, दूसरा एलिमेंट थ्री, और इसका दूसरा एलिमेंट क्या आता है, माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थ्री इंटू माइनस थ्री लिख दिया। क्लियर है, होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी होगी। अब हम क्या करेंगे, इसी रो को उठाएंगे, इसको हम करेंगे अब इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको हम करेंगे इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, तो इस रो का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फोर, और इस कॉलम का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फाइव। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, फोर इंटू फाइव लिख दिया। ठीक है, बीच में आता है फॉर्मूला का प्लस, फिर हम क्या करेंगे, इस रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, थ्री, और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, वन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थ्री इंटू वन लिख दिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, इसी रो को तीसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो में पहला एलिमेंट आ रहा है फोर, इस कॉलम में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, सिक्स। तो मैंने लिख दिया फोर इंटू सिक्स, बीच में फॉर्मूला का प्लस, फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, थ्री, और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, थ्री इंटू जीरो लिख दिया। ओके, सेम प्रोसीजर पे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। अब हम यहाँ पे तीसरे कॉलम को, तीसरे रो को उठाएंगे, इसको भी सेम प्रोसीजर पे पहले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, और तीसरे कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग विद दिस, पहले हम इसको पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस रो का पहला एलिमेंट आ रहा है थ्री, और इस कॉलम का पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फोर, माइनस थ्री इंटू फोर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस थ्री इंटू फोर लिख दिया। ठीक है, बीच में फॉर्मूला का प्लस, फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट आ रहा है थ्री, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस थ्री। ठीक है, इस रो का दूसरा एलिमेंट आ रहा है टू, और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस थ्री। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टू इंटू माइनस थ्री लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी रो को इस कॉलम के साथ भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। इस रो में दूसरा पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, माइनस थ्री, इस कॉलम में पहला एलिमेंट क्या आ रहा है, फाइव। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस थ्री इंटू फाइव लिख दिया। बीच में फॉर्मूला का प्लस, और फिर इस रो का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, टू, इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, वन। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टू इंटू वन लिख दिया। सेम प्रोसीजर कंटिन्यू करेंगे। अब हम इसी रो को क्या करेंगे, इस वाले कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इस रो का पहला एलिमेंट आ रहा है माइनस थ्री, इस कॉलम का पहला एलिमेंट आ रहा है सिक्स। तो मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे माइनस थ्री इंटू सिक्स लिख दिया। बीच में फॉर्मूला का प्लस, फिर क्या आ रहा है, इस रो का दूसरा एलिमेंट आ रहा है टू, और इस कॉलम का दूसरा एलिमेंट आ रहा है जीरो। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, टू इंटू जीरो लिख दिया। होपफुली यहां तक आपको चीजें क्लियर होगी होगी। अब बस वी आर डन, हमें बस थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन अब इसको कर लेनी है, और वी आर डन विद द मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको करेंगे, टू इंटू फोर, टू फोर जार हो गया एट, साथ में माइनस आ रहा है, माइनस थ्री वन जार हो गया माइनस थ्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, माइनस थ्री लिख दिया। यहाँ पे माइनस टू फाइव जार हो गया टेन, ठीक है, माइनस टेन आ जाएगा। बीच में प्लस आ रहा है, वन वन जार कितना हो गया, वन,
तो यहाँ पे मैंने प्लस वन लिख दिया, ठीक है। फिर से माइनस टू इंटू सिक्स आ रहा है, हो गया माइनस ट्वेल्व, और प्लस में आ रहा है वन जीरो जार हो गया जीरो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है प्लस जीरो, ठीक है। अब आप यही प्रोसीजर कंटिन्यू करते जाओ, फोर फोर जार हो गया सिक्सटीन, माइनस थ्री थ्री जार कितना हो गया नाइन, ठीक है, तो माइनस नाइन आ जाएगा। फोर फाइव जार हो गया ट्वेंटी, तो यहाँ पे ट्वेंटी लिख दिया। थ्री वन जार हो गया थ्री, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस थ्री आ जाएगा। यहाँ पे फोर सिक्स जार हो गया ट्वेंटी फोर, यहाँ पे ट्वेंटी फोर लिख दिया, बीच में प्लस आ रहा है। थ्री जीरो जार हो गया जीरो, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जीरो लिख दिया। ओके सेम अगर आप देखोगे कंटिन्यू करोगे, माइनस थ्री इंटू फोर हो गया माइनस ट्वेल्व, टू इंटू माइनस थ्री हो गया माइनस सिक्स, ठीक है। माइनस थ्री इंटू फाइव हो गया माइनस फिफ्टीन, प्लस टू इंटू वन हो गया टू वन जार हो गया टू, तो यहाँ पे प्लस टू आ जाएगा। थ्री इंटू सिक्स हो गया एटीन, और साथ में माइनस आ रहा है, और प्लस टू इंटू जीरो हो गया जीरो भी, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। अब हमें क्या करना है, और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड वी विल बी डन विद अवर रिजल्ट। ओके तो क्या आ रहा है यहाँ पे, माइनस थ्री माइनस थ्री और माइनस एट कितना बनेगा, माइनस इलेवन बनेगा। ओके माइनस टेन प्लस वन क्या बनेगा, माइनस नाइन। माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो तो क्या आ जाएगा, माइनस ट्वेल्व ही आ जाएगा। सिक्सटीन में से नाइन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सेवन। ओके ट्वेंटी प्लस थ्री कितना हो गया, ट्वेंटी थ्री। और ट्वेंटी फोर प्लस जीरो क्या बनेगा, ट्वेंटी फोर। माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स क्या बन जाएगा, माइनस एटीन। माइनस फिफ्टीन प्लस टू क्या बन जाएगा, माइनस थर्टीन। माइनस एटीन प्लस जीरो क्या बन जाएगा, माइनस एटीन ही बन जाएगा। और अगर आप देखोगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, दैट टर्न्स आउट टू बी थ्री क्रॉस थ्री, जो मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जो ऑर्डर निकल के आ जाएगा दैट विल बी थ्री क्रॉस थ्री, ठीक है। इस तरीके से हमने आज सीखा कि हम कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। इनकेस अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट आता है, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ और एग्जांपल्स लेके आ जाऊंगा इन द नेक्स्ट क्लास, और मुझे कुछ आपको प्रॉपर्टीज भी समझानी है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में ही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रख लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, खुदा हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।